आज हमने लेक्चर नंबर 41 करना क्या है, कल का जो लेक्चर था हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, जिसमें हमने क्या पढ़ा था अथॉरिटीज ऑफ एजेंट, उसकी एक क्विक किस्म की रिवीजन करवाऊंगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में वो खाली क्लास थी तो उसमें आपका फीडबैक नहीं मिल सका, तो अपनी तरफ से मैंने पढ़ा तो दिया, लेकिन सर मैं टीचर का काम पढ़ाना तो नहीं होता, उसका काम तो होता है समझाना, तो आपको समझ लगी कि नहीं लगी ये मुझे नहीं पता, तो मैं नहीं कुछ चीज़ों की समझ लगी होगी, कुछ की नहीं लगी होगी, तो जिनकी समझ नहीं लगी वो आप पूछ सके, उसके लिए क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे, फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 के एंड पे जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करना है हमने, और MCQs को डिस्कस करना है आज के लेक्चर में, फिर ये चैप्टर 9 हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हमारा सिलेबस तकरीबन 55% कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर 9 के साथ, ठीक है जी, यानी 50% से ज़्यादा। अच्छा, अब चलते हैं टॉपिक की तरफ, एजेंसी रिलेशनशिप तो आपको समझ आ गया ना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में हमने स्टडी किया था, फिर उसके बाद जब एजेंट को हम अपॉइंट करते हैं तो एजेंट की जिम्मेदारी क्या है, कि उसने हमारे सेक्शन के मुताबिक काम करना है, एजेंट को कोई भी टास्क दिया जा सकता है, जैसे एजेंट को क्या कह सकते हैं, हम जाओ रेंट कलेक्ट करके आओ हमारे बिहाफ पे, जैसे एजेंट को क्या कह सकते हैं कि भाई हमारी शॉप को मैनेज करो, ये जितने भी मैनेजर्स होते हैं ना, मैनेजर्स जो ओनर नहीं है, मैनेजर्स वो एजेंट होते हैं, इसी तरह किसी भी कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं वो उसके एजेंट होते हैं, तो जब हम एजेंट को अपॉइंट करते हैं तो डेफिनेटली हमें उसको कुछ ना कुछ अथॉरिटी देनी है, अथॉरिटी के बगैर तो वो कोई काम नहीं कर सकेगा, जैसे अगर किसी को हमने अपनी शॉप को मैनेज करने के लिए वहां पे बिठाया तो उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि आप जब कस्टमर आए उसके साथ निगोशिएशन करके चीज़ों को बेच सकें, अगर हम उसको ये अथॉरिटी नहीं देते उसे कहते हैं भाई बस ये तुम दुकान पे बैठो, ये ध्यान रखो कि चीज़ चोरी ना हो, सेल परचेज की, तो फिर उसका इतना फायदा नहीं होगा एजेंट का, इसीलिए हर एजेंट को जब हम उसे किसी भी टास्क के लिए अपॉइंट करते हैं कोई ना कोई अथॉरिटी देना जरूरी होता है। लॉ इसको अथॉरिटी वाले कंसेप्ट को डिफरेंट सिचुएशंस में डिस्कस करता है, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी हमें बताता है, तो जो सबसे पहले और सबसे आसानी से समझ आने वाली अथॉरिटी है वो है एक्सप्रेस अथॉरिटी। एक्सप्रेस अथॉरिटी का मतलब क्या है, वो जिस तरह एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता था, एक्सप्रेस ऑफर, वो अथॉरिटी जो बाय वर्ड्स दी जाए, बाय, याद रखें ये एक्सप्रेस अथॉरिटी ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, जैसे हमने पढ़ा था ना ऑफर या कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो ओरल भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, रिटन भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, वो कॉन्ट्रैक्ट की दो टाइप्स नहीं पढ़े, एक एक्सप्रेस होता है और एक इम्प्लाइड, इम्प्लाइड जैसे वो कुजाई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, वो इम्प्लाइड यानी पार्टीज आपस में करती नहीं है, बाय वर्ड्स नहीं होता बल्कि कुजाई कॉन्ट्रैक्ट, हाँ वो शू मेकर वाला कॉन्ट्रैक्ट, और एक्सप्रेस में मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है रिटन भी हो सकता है, सिर्फ कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनका रिटन होना लाजमी है, एग्जाम्पल याद है आपको, टाइम बार डेट उसी एक एग्जाम्पल, उसका रिटन होना, एग्रीमेंट विदाउट कंसीडर ऑन अकाउंट ऑफ नेचर लव एंड अफेक्शन, इसका भी रिटर्न होना जरूरी, एग्जैक्टली उसी तरह एजेंसी रिलेशनशिप में जो एजेंट के पास अथॉरिटीज होती हैं वो भी एक्सप्रेस भी हो सकती हैं, एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, ठीक है, और एक्सप्रेस में ओरल भी हो सकते हैं, उसे जबानी कलाम में अथॉरिटी दे दियो, रिटर्न भी हो सकती है रिटर्न फॉर्म में अथॉरिटी दियो, कुछ अथॉरिटी सिर्फ रिटर्न होना रिक्वायर्ड है, वरना अथॉरिटी ओरल भी हो सकती है रिटर्न भी हो सकती है, जैसे अगर आप किसी को अपॉइंट करते हैं ना अपना घर बेचने के लिए, तो वो अथॉरिटी किसी एजेंट को प्रॉपर्टी डील, वो अथॉरिटी रिटर्न होना लाजमी है, उसे कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी, आपने शायद सुना हो ये लफ्ज़, कि जब कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए किसी को अपॉइंट करता है तो रिटर्न पावर, उस केस में एजेंट का रिटर्न अथॉरिटी देना लाजमी होता है एजेंट को, वरना अथॉरिटी एक्सप्रेस अथॉरिटी ओरल भी हो सकती है रिटर्न भी, एक्सप्रेस अथॉरिटी का कंसेप्ट समझ आ गया, फिर दूसरा इम्प्लाइड, इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि एज्यूम किया जाता है एजेंट के पास एक्सप्रेस नहीं दी जाती, अल्फाज में एज्यूम किया जाता है, असल में पॉसिबल नहीं होता कि आप अथॉरिटी को इतना डिटेल में एक्सप्लेन करें कि एक एक चीज उसमें कवर हो जाए, पॉसिबल नहीं होता, जैसे फर्ज कीजिए अगर मैं इन भाई को अपॉइंट करता हूं कि भाई घर कंस्ट्रक्ट कर दो, ठीक है मेरा घर कंस्ट्रक्ट कर दो, मैं इनको एजेंट के तौर पे अपॉइंट कर रहा हूं, ठीक है ये अलहदा से कॉन्ट्रैक्टर नहीं एजेंट के, तो अब क्या ये मेरे बिहाफ पे उस टास्क को पूरा करने के लिए मटीरियल बाय कर सकते हैं, और अगर मैं उनको भाई मटीरियल बाय करने की तो अथॉरिटी दी ही नहीं, अगर सर मटीरियल बाय किए बगैर घर कैसे कंस्ट्रक्ट करूं, क्या ये कुछ मजदूरों को हायर कर सकता है लेबर को, मैं कहा भाई लेबर को हायर करने की अथॉरिटी दी ही नहीं, मैं तो घर कंस्ट्रक्ट करने की अथॉरिटी, ओके कहा सर जी लेबर को हायर किए बगैर घर कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, तो जब मेन हम अथॉरिटी किसी को देते हैं तो बाज़ुकात उसके साथ छोटी छोटी कुछ और अथॉरिटीज होती हैं जो मेन काम करने के लिए जरूरी होती हैं, वो ऑटोमेटिकली उसको मिल जाती हैं, वो अलहदा से बताना जरूरी नहीं है, अब मैं थोड़ी घर कंस्ट्रक्ट करने की अथॉरिटी बता रहा हूँ, ये थोड़ी बताऊंगा अच्छा रेत भी खरीद सकते हो, बिजली भी खरीद, बजरी भी खरीद सकते हो, सीमेंट भी खरीद सकते हो, मजदूर को भी लगा सकते हो, और इसके बाकी सारी पॉसिबल नहीं है, तो मेन टास्क को पूरा करने की अथॉरिटी दे दी तो उससे रिलेटेड हर वो टास्क जो जरूरी है, जो लीगल है और जरूरी है, वो ऑटोमेटिकली एजेंट को मिल जाता है, उन अथॉरिटीज को जो एक्सप्रेसली तो नहीं दी गई लेकिन वो मेन काम करने के लिए जरूरी है, उन्हें क्या कहते हैं राइट अथॉरिटी, एजेंट के पास वो अथॉरिटी होगी कि वो काम कर सकता है, लेकिन याद रखिए इसमें वो नेसेसरी होना चाहिए और लीगल होना चाहिए, क्लियर। फिर इसके बाद अगली अथॉरिटी आई थी अथॉरिटी इन केस ऑफ एमरजेंसी,
बाज औकात ऐसा होता है, हमारा जनरल रूल क्या है, एजेंट को जब अथॉरिटी दी गई ना और उसने अपनी अथॉरिटी से अगर एक्सीड किया प्रिंसिपल की इजाजत के बगैर, अगर अपनी अथॉरिटी से, तो थर्ड पार्टी को एजेंट लायबल है, प्रिंसिपल लायबल नहीं है। हमारा मेन रूल क्या है, अगर हमने एजेंट को कोई अथॉरिटी दी और उसने उस अथॉरिटी से एक्सीड किया, एक्सीड करने का मतलब क्या होता है कि उससे हटके कोई काम किया, एक्सीड करने का मतलब क्या है, उसे हट, एक्सीड करने का मतलब आपने ये नहीं लेना कि ज्यादा, एक्सीड करने का मतलब क्या है, उससे हट के काम किया। जैसे एक क्वेश्चन में उसने कहा कि प्रिंसिपल ने कहा 1000 से कम की चीज ना बेचना, उसने 800 की चीज बेच दी, तो स्टूडेंट कहने लगा सर ये उसने अथॉरिटी से एक्सीड तो नहीं किया, कम किया, कम किया। तो एक्सीड करने का कम मतलब कम ज्यादा नहीं, एक्सीड करने का मतलब क्या है, उसकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल नहीं किया, उसकी इंस्ट्रक्शंस के अलावा कोई काम किया। तो प्रिंसिपल, तो अगर एजेंट प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शंस के अलावा काम करे यानी अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे, तो थर्ड पार्टी का कौन लायबल है, वरना नॉर्मल रूल तो ना प्रिंसिपल लायबल होता है, नॉर्मल रूल यही पढ़ा ना हमने, लेकिन अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे तो फिर कौन लायबल है, थर्ड पार्टी को, एजेंट प्रिंसिपल ने, नॉर्मल रूल है। एमरजेंसी के केस में एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा होगा लेकिन स्टिल वो थर्ड पार्टी को लायबल, अगर इस वो उसकी लायबिलिटी अराइज नहीं होगी, क्योंकि बाज बात ऐसा होता है एमरजेंसी सिचुएशन में कुछ फैसले करने पड़ते हैं, कुछ फैसले करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अथॉरिटी इन केस ऑफ एमरजेंसी, वो मुझे याद आ गई है कहानी, पता नहीं पूरे तरीके से याद आती है कि नहीं, अचानक नहीं, नहीं हमारी नहीं, बचपन में छोटे होते बड़ी थी। एक एम्प्लॉयर था वो बड़ा जालिम था, उसकी आदत थी जब कभी किसी नौकर को मुलाजिम को रखता था एक बड़ा डिटेल सा कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ करता था, जिसमें से कहता था तुम ये भी करना, ये भी कर सकते हो, ये भी करना, ये भी करना, ये भी तुम्हारी ड्यूटी में शामिल है, ये भी ड्यूटी में शामिल है, ये भी ड्यूटी में शामिल है, क्योंकि लंबी चौड़ी ना 10 बार। अब जिस बंदे ने नौकरी लेनी होती थी वो तो एग्री कर जाता था, बाद में वो बेतहाशा काम उससे करवाता था, और जब कोई नौकर एम्प्लॉय से कहता था कि सर जी अभी तो मैंने वो वाला काम खत्म किया है और अभी मुझे थोड़ा सांस लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद दूसरा काम शुरू करूंगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में फौरन बता देता था, नहीं देखो ये इस क्लास में तुमने कहा था कि तुम मेरी सारी बातें मानोगे, सॉरी इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि मैं तुमसे ये काम भी करवा देता हूं जो करवा सकता हूं जो पहले का, और जो दूसरा काम का है ये भी देखो लिखा हुआ है कि तुम ये काम भी करोगे, तीसरा काम भी लिखा हुआ है ये काम भी करोगे। तो लंबी चौड़ी उसने लिस्ट बनाई हुई थी 100-150 सफ़ों वाली, सारे एम्प्लॉयज उसके जो उसके वर्कर थे जो उसके मुलाजिम थे सारे उससे बड़े तंग थे। एक दिन क्या हुआ कि वो कोई घोड़े के ऊपर सवार होकर कहीं जा रहा था, गिर गया, तो घोड़े की सवारी करते हैं उसकी रुकाब होती है जिसमें बाज़ पांव फंस जाता है, पांव फंस गया वो गिर गया, अब घोड़ा भाग रहा है और वो उसके साथ साथ वो घसीटा जा रहा है, तो वो चिल्ला चिल्ला के सारे अपने मुलाजमों को कह रहा है मुझे बचाओ मुझे बचाओ, सब ने कॉन्ट्रैक्ट सामने कर दिया, मैं कहता सर कहीं भाई ये नहीं लिखा हुआ कि आप घोड़े से गिरेंगे तो हमने बचाना। तो ये नॉर्मल, अब देखे लेकिन अब ये तो है एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल होगी ना, इसमें तो लग रहा है कि उसके साथ होना भी यही चाहिए था, लेकिन मुझे बताइए नॉर्मल केसेस में जब इतना एडवर्स रिलेशनशिप नहीं होता प्रिंसिपल और एजेंट में, नॉर्मल रिलेशनशिप में अगर एजेंट को किसी ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहा हो जिसमें उसके प्रिंसिपल को नुकसान हो रहा है, तो कैसे ये सोचना चाहिए भाई मेरी अथॉरिटी में मेरी ड्यूटीज में तो ये काम करना शामिल नहीं है, तो मैं तो कोई एक्शन नहीं लूंगा, मैं चुप करके बैठा हूं चाहे आग लग गई हो सामान को, लेकिन मेरी ड्यूटीज में तो नहीं लिखा होगा कि आग से बचाना है तो मैं तो कुछ नहीं करूंगा, ऐसे सोचना चाहिए क्या, ऐसे नहीं, बल्कि उसे क्या करना चाहिए इन केस ऑफ एमरजेंसी, अपने प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए, किसको, प्रिंसिपल, अपने फायदे के लिए नहीं, खुद को नुकसान से बचाने के लिए, प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए जो एक्शन जरूरी हो वो कर सकता है। लेकिन याद रखिए इसमें इस ऑप्शन को, इस पावर को, इस अथॉरिटी को मिसयूज होने से बचाने के लिए लॉ ने इसकी कुछ कंडीशंस रखी हुई है। पहली कंडीशन ये है कि वाकई में सचमुच एमरजेंसी हो, यानी कोई आग लगी हो या इस तरह का प्रॉब्लम हो कि जिससे चीजों को डिस्ट्रॉय होने का खतरा, रियल एमरजेंसी हो। दूसरी चीज के उसने कॉन्टैक्ट किया हो, पहले कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे ताकि उससे इजाजत ले ले, इंस्ट्रक्शन ले ले, किसी वजह से कॉन्टैक्ट भी नहीं हो पाया, और फिर तीसरी चीज वो इन द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बेनिफिट को सामने रखते हुए, या यू कहना चाहिए बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल की बजाय प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए, प्रिंसिपल को टू सेव प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस, वो ये काम करे, ठीक है, प्रिंसिपल को लॉस से बचाना, तो इसको क्या कहते हैं, अथॉरिटी इन केस ऑफ एमरजेंसी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। हालांकि एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं दिया फिर भी काम कर सकता है। और फोर्थ अथॉरिटी कौन सी है, ऑस्टेंसिबल, क्या क्या नाम, एजेंसी बाय एस्टोपल। अच्छा, एस्टोपल का कंसेप्ट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, यहां पे भी यूज कर रहे हैं, और बाद में पार्टनरशिप में भी सबसे ज्यादा पार्टनरशिप में यूज होगा अथॉरिटी या एजेंसी बाय एस्टोपल, और इसका दूसरा नाम उन्होंने भी रखा होगा क्या, ऑस्टेंसिबल। दोनों मुश्किल से नाम है ना, अपेरेंट, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये दो काफी। स्टॉपल का मतलब जैसा नाम से जाहिर हो रहा है रोकना किसी चीज को, लॉ ये कहता है कि जब आप स्टॉपल का मतलब क्या ये समझे, स्टॉपल का मतलब समझेंगे ना तो तीनों जगहों पे आपको माइनर, एजेंसी और पार्टनरशिप तीनों का कंसेप्ट एक ही जगह पे समझ आ जाएगा। स्टॉपल का मतलब ये है
स्टॉपेल का मतलब ये है रोकना। लॉ ये कहता है जब आप किसी बंदे को कोई स्टेटमेंट दे देते हैं ना और वो बंदा उस स्टेटमेंट की बेस पर कोई एक्शन ले ले, फिर आप अपनी स्टेटमेंट से रुक नहीं सकते, ठीक है, मुकर नहीं सकते। छोटी सी एग्जांपल आपके साथ, फर्ज कीजिए मैं ये कहता हूं कि जी नेक्स्ट सेशन में मैं टैक्स पढ़ा रहा हूं, फर्ज कीजिए, नहीं नहीं सच में नहीं पढ़ा रहा मैं, हाँ जी, फर्ज कीजिए कि मैं नेक्स्ट सेशन में टैक्स पढ़ा रहा हूं, अभी किसी स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया और मैं फैसला करता हूं मैंने टैक्स नहीं पढ़ाना। लॉ कहता है ठीक है आकर, क्योंकि अभी किसी स्टूडेंट ने डिसीजन नहीं लिया, लेकिन अगर मैं अनाउंस करता हूं मैं टैक्स पढ़ा रहा हूं और कोई स्टूडेंट इस स्टेटमेंट के ऊपर एक्ट कर लेता है यानी एडमिशन ले लेता है, इसके बाद मैं बैकआउट नहीं कर सकता इस स्टेटमेंट में, यह नहीं कह सकता कि नहीं मैं टैक्स नहीं पढ़ा रहा। लॉ यह कहता है कि अब आप लायबल हैं उस पर्सन को। यह है स्टॉपेल का रूल कि जब आप कोई स्टेटमेंट दे देते हैं और थर्ड पार्टी उस रिप्रेजेंटेशन उस स्टेटमेंट की बेस पर कोई एक्शन ले ले, आपको फिर रोका जाता है। किस चीज से रोका जाएगा? अपनी स्टेटमेंट वापस लेने से। आप स्टेटमेंट वापस नहीं ले सकते, लेकिन हमने पढ़ा था माइनर के केस में इसकी एक्सेप्शन है, यानी माइनर अपने आप को मेजर रिप्रेजेंट करे और उसकी स्टेटमेंट पे रिलाय करते हुए कोई बंदा उसको उधार दे दे, वो बाद में वापस हो सकता है कि नहीं हो सकता? वो वापस हो सकता है। माइनर एक्सेप्शन थी रूल ऑफ स्टॉपल की। हमने पढ़ा था रूल ऑफ स्टॉपल डज नॉट अप्लाई ऑन माइनर। यहां पे कंसेप्ट क्या है? फर्ज कीजिए एक बंदा मेरा एजेंट नहीं है, हमारा आपस में कोई एजेंट नहीं, कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, लेकिन मैं थर्ड पार्टी को यह कहता हूं कि यह मेरा एजेंट है। थर्ड पार्टी को क्या कहा? यह मेरा एजेंट। थर्ड पार्टी ने इस एग्रीमेंट, यह मेरा एजेंट है और मैंने अपना घर इसको कहा होगा कि बेच दो। अब थर्ड पार्टी ने इसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, हालांकि असल में ये मेरा एजेंट नहीं था, एग्रीमेंट कर लिया, क्या मैं बाद में इसे मुकर सकता हूं? ला कहता नहीं मुकर सकता। ये है स्टॉपल का रूल। इसी तरह पार्टनरशिप में क्या बताएंगे हम कि एक बंदा हमारा पार्टनर नहीं है, हमने बैंक के सामने कह दिया कि ये भी हमारा पार्टनर है, इस स्टेटमेंट की बेस पे बैंक ने इस बंदे को लोन दे दिया, क्या बाद में हम कह सकते हैं हम लायबल नहीं क्योंकि हमारा पार्टनर ही नहीं है, ये तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नाम ही नहीं इसका? ला कहता नहीं। ये है स्टॉपल का रूल, समझ आया आपको? तो वो ये कहता है अगर हमने किसी को अपना एजेंट कह दिया तो बाद में उसने कोई एक्ट कर लिया तो हम लायबल होंगे मुकर। अच्छा एक केस स्टडी फिर आपसे पूछूं, अगर आपको स्टॉपल का रूल समझ आ गया तो इसका आंसर दे सकेंगे? आंसर दे दिया, मेरी तसल्ली हो जाएगी, फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये भाईजान मेरे एजेंट है, सारी दुनिया को पता कि ये मेरी दुकान पे बैठते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, ठीक, मैंने इनको नौकरी से निकाल दिया, मेरे भी यहां पे लोगों के साथ ये सेल परचेज के एग्रीमेंट करते थे और ऑफिस के अलावा दूसरी जगह लोगों के ऑफिस में जाके भी कॉन्टेक्ट करते थे, मैंने इनको नौकरी से निकाल दिया, पब्लिक नोटिस नहीं दिया, पब्लिक नोटिस नहीं दिया, इन भाईजान ने दूसरे बंदों से एडवांस पकड़ के निकल गए कि ये चीजें खरीदने का एडवांस है, बताइए क्या मैं लायबल हूं? बिल्कुल लायबल। कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा? रूल ऑफ स्टॉपल। अगर आप थोड़ा सा सोचें, क्योंकि अब ये मेरे एजेंट नहीं है और जब कोई बंदा हमारा एजेंट ना हो लेकिन हम पास्ट में लोगों को स्टेटमेंट दे चुके हैं, तो लॉ कहता है ये असल में एजेंसी बाय स्टॉपल में आता, आपको चाहिए क्या था कि पब्लिक नोटिस दे रहे। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा अखबारों में बाजू का ऐसा होता है कि ये अब हमारा एम्प्लॉय नहीं रहा, इसके साथ कोई भी लेन देन करने वाला खुद जिम्मेदार होगा। कभी आपने इस तरह का देखा अखबार में इश्तहार? किसी नॉर्मली किसी सीनियर पोजीशन पे जब जो लोगों से पब्लिक डीलिंग कर रहा हो बंदा, उसका जब नौकरी से निकाला जाता है तो उसके अखबार में इश्तहार दिया जाता है, वो इसी वजह से दिया जाता है ताकि एजेंसी वाइज स्टॉपल का रूल ना लगे। कुछ कुछ समझ आई? स्टॉपल का कंसेप्ट समझ आया? हमने स्टेटमेंट दी, लोगों ने एक्शन ले लिया, हम बैकआउट नहीं कर सकते, यह है स्टॉपल। पब्लिक नोटिस कोई भी दे सकता है, वो अगर एजेंट की तरफ से भी अगर चला जाए तो वो भी ठीक है, लेकिन नॉर्मली एजेंट कहता है भाई फायदे में मैं आई हूं, अगर लोगों को नहीं पता चलेगा वो कोई भी नोटिस दे दे पब्लिक को पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखे पब्लिक नोटिस रिक्वायर्ड होता है। एक बंदे ने अपने ऑफिस में सर्कुलेट कर दिया सबको कि इसको नौकरी से निकाल दिया, जनरल पब्लिक को नहीं बताया, अब बताइए क्या ये सफिशियंट हो गया? नोटिस जनरल पब्लिक को देना चाहिए जी। ये हमने चार अथॉरिटीज पढ़ी, क्विकली इनको रिव्यू किया, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले कंसेप्ट में। आगे जो क्वेश्चन है एमसीक्यू से वो डिस्कस करने हैं, उनमें मसला होगा तो वो भी ठहर जाए। चारों टाइप समझ आ गए? चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ और फिर एमसीक्यूज की तरफ। जी पास कीजिएगा थोड़ी देर के लिए। जी स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन और ये केस स्टडीज। इस चैप्टर में ये केस स्टडीज लर्निंग ऑब्जेक्टिव वन के क्वेश्चन तो सिंपल से थे, वो इतने अहम नहीं थे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव टू के जो क्वेश्चन हैं ये ज्यादा अहम है, तो अटेंटिव होकर डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिएगा। क्वेश्चन सर, एन एजेंट अकमल इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ए प्रिंसिपल पारस, ही एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर पार्टी तारिक। किसने तारिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया? एजेंट ने, अकमल ने, स्टेटिंग दैट ही इज एक्टिंग एज एजेंट फॉर पारस, और उसने कहा मैं पारस के एजेंट के तौर पर काम कर रहा हूं। हाउएवर अकमल हैज एक्चुअली एक्टेड आउटसाइड हिज अथॉरिटी, एक्सीडिंग अथॉरिटी का केस, यानी उसने इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ काम किया। पारिस रिफ्यूजेस टू कैरी आउट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट,
पारिस कहता है भाई इसने मेरी अथॉरिटी से एक्सीड किया, जो मैंने इसको अथॉरिटी दी थी इसने एक्सीड किया। मैंने इसे कहा था कि फर्ज कीजिए कि एक सर्टन अमाउंट तक की ट्रांजैक्शन करनी है, इसने उससे ज्यादा अमाउंट की ट्रांजैक्शन की है, हु इज लायबल टू तारिक, तारिक को लायबल, ये डिपेंड। आपको याद होगा एंड पे आपको लर्निंग ऑब्जेक्ट एंड पे एक टिप दी हुई है यस्टरडे। अच्छा सुन ले वो टिप क्या है, वो टिप समझाना। अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे, थर्ड पार्टी को लायबल कौन है, क्वेश्चन ये है। अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे थर्ड पार्टी को लायबल कौन है, क्वेश्चन क्या है जिसका आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे थर्ड पार्टी को लायबल कौन है, इसका जवाब है डिपेंड करता है थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि नहीं था। किस चीज का नॉलेज? कि अथॉरिटी एक्सीड की जा रही है। अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं था यानी इसमें, तो फिर थर्ड पार्टी का कौन लायबल है, क्योंकि एजेंट उसके बिहाफ है। और अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज था तो फिर प्रिंसिपल लायबल नहीं है, फिर एजेंट लायबल होगा, थर्ड पार्टी एजेंट को पकड़ेगी। क्लियर हो गया? अच्छा अब एक सवाल का जवाब जो मैंने नहीं बताया लेकिन पूछ, अगर कंसेप्ट समझ आ गया आपको तो वही स्टूडेंट जवाब दे सकेगा वरना नहीं। अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे, आपने कहा डिपेंड करता है थर्ड पार्टी को उसका नॉलेज था कि नहीं, अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं था तो लायबल कौन है? थर्ड पार्टी प्रिंसिपल के खिलाफ केस इन्फोर्स करवा सकती है? करवा लिया, प्रिंसिपल को नुकसान हुआ, ये नुकसान कौन भरेगा? यानी इसका मतलब यह है घूम फिर के शामत एजेंट की आएगी क्योंकि कसूर इसी का है, लेकिन डायरेक्टली आएगी कि इनडायरेक्टली ये डिपेंड करता है थर्ड पार्टी के नॉलेज पे। अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज था एजेंट अथॉरिटी से एक्सीड करे तो थर्ड पार्टी और एजेंट निपटे, प्रिंसिपल क्लियर है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी इनोसेंट थी, उसको नॉलेज नहीं था एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, तो फिर इसका मतलब थर्ड पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, प्रिंसिपल लायबल होगा। लेकिन बाद में जब प्रिंसिपल उसको भुगत के आएगा एजेंट को पकड़ेगा, एजेंट से कंपनसेट कराएगा अपना सारा नुकसान। यहां पे बताइए क्या वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नॉलेज है कि नहीं है? तो क्या करना चाहिए? एक सिचुएशन अज्यूम करें कि दोनों पॉसिबिलिटीज कि अगर कौन तारिक, अगर तारिक को नॉलेज था कि अकमल अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है तो पारिस लायबल नहीं है, वो समझा जाएगा एजेंट और थर्ड पार्टी आपस में उनका ट्रांजैक्शन है। और अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं था एजेंट, तो फिर पारिस लायबल है थर्ड पार्टी को, लेकिन बाद में पारिस एजेंट से रिकवरी करवाएगा, अपना कंपनसेट करवाएगा नुकसान। भैया ये बात समझ आई? आगे चलते हैं। पारिस अपॉइंटेड आजम एज हिज एजेंट टू सेल हिज हाउस बाय रिटन पावर ऑफ अटॉर्नी, एक्सप्रेस अथॉरिटी रिटन में है। आजम सोल्ड द हाउस टू तारिक, नाउ पारिस वांट्स टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट, कैन ही डू सो? क्यों नहीं कर सकता? एजेंट ने उसके पास अथॉरिटी, इसमें तो पता चल रहा है ना कि एजेंट ने अपनी अथॉरिटी के अंदर रह के काम किया, एक्सीड तो नहीं किया ना, रिटन अथॉरिटी। अच्छा एक टिप सुन ले, रियल लाइफ में आपको टिक दे रहा, शायद कभी काम आ जाए, और अगर काम आ गई तो आपके सारे पैसे रिकवर हो गए जो भी आपने इस सेशन में खर्च किए होंगे। कभी आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है ना, पावर ऑफ अटॉर्नी की बेस पे नहीं खरीदनी, किसी हमेशा ट्रू ओनर से प्रॉपर्टी खरीदनी है। किसी के पास पावर ऑफ अटॉर्नी है कभी प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, हालांकि लीगली खरीद सकते हैं वैलिड, लेकिन असल में मसला पता क्या होता है कि जब ये अगर दोनों मिले होते हैं ना तो क्या करते हैं, पारिस दे देता है अकमल को अथॉरिटी एजेंट को रिटन पावर ऑफ अटॉर्नी, बाद में पारिस जो है इस अथॉरिटी को कैंसिल करवा देता है कोर्ट से, अथॉरिटी कैंसिल होगी लेकिन उसकी कॉपी उसके पास जो ओरिजिनल एग्रीमेंट हुआ है वो एजेंट के पास होती है, तो असल में अथॉरिटी कैंसिल हो चुकी होती है लेकिन वो लोगों के पास जाके कहता है कि देखिए मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है और पैसे ले लेता है। आपने अक्सर देखा होगा एक ही प्रॉपर्टी जमीन जो है ना वो दो दो तीन तीन चार चार लोगों को बिक जाती है, वो इसी चक्रों से की वजह से बिकती है। तो इसलिए अगर आप इस तरह के फ्रॉड से बचना चाहते हो कभी जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है एग्रीमेंट, क्योंकि हो सकता है वो कैंसिल हो चुकी हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं, हमेशा ट्रू ओनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। आगे चलते हैं क्वेश्चन 9। पारस पॉइंटेड आतिफ एज हिज एजेंट टू सेल गुड्स एट हिज शॉप बाय वर्बल एग्रीमेंट, तो ठीक है वर्बल एग्रीमेंट भी एक्सप्रेस है वैलिड है। आतिफ सोल्ड द गुड्स, नाउ पारिस वांट्स टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट, कैन ही डू सो? नहीं कर सकता, नहीं, क्योंकि अपने उसने एक तो उसको अथॉरिटी दी और फिर अथॉरिटी को खत्म ही नहीं करवाया, वो तो ट्रांजैक्शन होने के बाद अथॉरिटी खत्म नहीं कर सकते, करवाना था पहले करते, तो ये एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड है। अगर इस सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर दें, चेंज इस तरह कर दें कि अभी चीजें बिकी नहीं, उससे पहले पारिस ने आतिफ को मना कर दिया कि चीजें ना बेचना, चीजें एक क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, चीजें बिकी नहीं, बिकने से पहले पारिस ने आतिफ को मना कर दिया चीजें ना बेचना, आतिफ ने फिर भी चीजें बेच दी, अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया। अब बताइए पारिस वो चीजें वापस ले सकता है कि नहीं? हाँ अब देखना है थर्ड पार्टी को पता था कि नहीं। अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज था
कि आतिफ अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है। लॉ कहता है फिर प्रिंसिपल कस्टमर से चीजें ले सकता है, लेकिन अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं था तो फिर प्रिंसिपल थर्ड पार्टी से चीजें, तो जो नुकसान हुआ किससे भरवाया, क्योंकि उसका कसूर है ना, उसने अथॉरिटी से एक्सीड किया। क्लियर हो गया ये केस? आगे चले, द परचेजिंग डायरेक्टर ऑफ, ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के एजेंट होते हैं। परचेजिंग डायरेक्टर कंपनी ऑर्डर्ड ए क्वांटिटी ऑफ गुड्स फ्रॉम ए सप्लायर, ठीक है, डायरेक्टर के पास अथॉरिटी होती है, वो खरीदना चाहे खरीद सकते। इन डूइंग सो द डायरेक्टर एक्सीडेड द स्कोप ऑफ हिज एक्सप्रेस अथॉरिटी, डायरेक्टर ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, बिकॉज इट इज कंपनीज पॉलिसी टू परचेज अबव ए सर्टन वैल्यू मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी थी कि इस वैल्यू की चीज अप्रूव अगर खरीदनी हो तो मैनेजिंग डायरेक्टर से अप्रूवल लेनी चाहिए। परचेजिंग डायरेक्टर ने मैनेजिंग डायरेक्टर से अप्रूवल लिए बगैर ऑर्डर इशू कर दिया। कंपनी की इंटरनल पॉलिसी क्या थी कि अगर हाई वैल्यू आइटम्स होंगी तो वो परचेजिंग के साथ साथ मैनेजिंग डायरेक्टर भी अप्रूव करेगा। अब ये इंटरनल पॉलिसीज होती हैं, नॉर्मली आउटसाइड लोगों को नहीं पता होता अनलेस के उनको कम्युनिकेट कर दिया गया हो। जैसे कुछ कंपनीज होती है वो अपने रेगुलर सप्लायर्स को कम्युनिकेट कर देती है। नाउ कंपनी वांट्स टू सेट असाइड द परचेज ऑर्डर, कैन यू डू सो, डिपेंड्स करता शाब किस पे, थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि नहीं था। अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि डायरेक्टर अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है परचेजिंग डायरेक्टर, कॉन्ट्रैक्ट सेट असाइड हो सकता है, और अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं था सेट असाइड नहीं हो सकता। हाँ, फिर नुकसान जो होगा डायरेक्टर से पूरा करवाया जाए। क्लियर? अच्छा, अब इसमें एक और ट्विस्ट है कहानी में, अभी ऐड कर दूं कि अभी दो तीन क्वेश्चन और कर ले, अभी ऐड कर, ये भाई से पूछे, ये भाई पहुंच गए कहीं, हाँ जी अभी ऐड कर दूं, अभी ऐड कर दूं, बताइए कहानी में ट्विस्ट ऐड करना, अभी कर दूं। जब एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है ना, तो हम डिस्कशन हमेशा ये करते हैं कि थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि नहीं था। एक इससे पहले भी पॉइंट डिस्कस हो सकता है कि प्रिंसिपल वाकई ही इस एग्रीमेंट को सेट असाइड करना चाहता है कि नहीं। मे बी सम टाइम एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड तो किया हो, लेकिन प्रिंसिपल समझे कि चलो ठीक है फायदे में है चलने दे। हमेशा तो ऐसे नहीं होगा ना। देखिए, अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया है, प्रिंसिपल के पास ऑप्शन है कि वो उसको कैंसिल कर, लेकिन उससे पहले सोचेगा यार ये मेरे फायदे का है कि नुकसान का है। जैसे यहां पे उसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, तो मे बी कंपनी का नहीं, हमारे पास ऑलरेडी सामान पड़ा हुआ था, मजीद सामान कहां रखेंगे, और वो उसको रिसेंड करना कहे सेट ऑफ करवाना है। मे बी कंपनी सोचे यार सामान की हमें जरूरत तो थी और डिस्काउंट भी अच्छा मिल रहा था, तो हालांकि इसकी अथॉरिटी नहीं थी लेकिन इसने हैवी अमाउंट का सामान खरीद लिया अपनी अथॉरिटी से ज्यादा, लेकिन चलो हमें सस्ता मिल गया सामान की जरूरत, फायदा ही हुआ, तो मे बी कंपनी इसको ओके कर दे, रेटिफाई। इसको नाम देते हैं रेटिफिकेशन का। रेटिफिकेशन में समझाया सबसीक्वेंट अप्रूवल, यानी ट्रांजैक्शन होने के बाद उसकी अप्रूवल देना, ये होता है रेटिफिकेशन। ये क्या होता है? रेटिफिकेशन। अच्छा, ये रेटिफिकेशन कर, इस एग्जांपल को क्या मैं एजेंसी अथॉरिटी बाय नेसेसिटी कह सकता हूं, अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी कह सकता हूं इस एग्जांपल को, क्योंकि इसमें फायदा सोचा गया है, नुकसान से नहीं बचाया गया। आपने देखा यहां पे जो मैंने आपको पढ़ाया ना, टू सेव फ्रॉम लॉस है, टू ऑब्टेन एडवांटेज नहीं है। एक केस स्टडी में उसने कहा, एक में तो उसने ये कहा ना कि टमाटर लेके जा रहा है और डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले गल सड़ जाएंगे, उसने फौरी रस्ते में बेच दिया। एक ये केस है, इसमें उन्होंने कहा ठीक है अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी है, ये एक्ट वैलिड है, एजेंट नुकसान का लायबल नहीं। एक और केस था जिसमें प्रिंसिपल ने कहा था ये फैसलाबाद जाके 100 रुपए के हिसाब से बेचना, रस्ते में उसे 110 रुपए का रेट लगा, उसने चीजें रस्ते में बेच दी, रस्ते में। बताइए इसमें अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी का रूल लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। हालांकि उसे फायदा हुआ, लेकिन इमरजेंसी के रूल में क्या पॉइंट लिखा है उसने, नुकसान से बचाने के लिए, लॉस नुकसान से बचाने के लिए, बेनिफिट के लिए नहीं। ये बात समझ आई? लेकिन आप मुझे खुद बताएं, अगर आप प्रिंसिपल हो और आपको पता चले जन ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया है, 100 की बजाय 110 रस्ते में बेच दिया, आप उसके खिलाफ एक्शन लेंगे कि रेटिफाई कर देंगे? रेटिफाई कर देंगे। तो इसीलिए एक्शन लेने से पहले एक पॉइंट आता है प्रिंसिपल का कि वो अगर चाहे तो रेटिफाई कर सकता है। रेटिफाई कर दे तो कहानी ही खत्म, कि थर्ड पार्टी का नॉलेज आगे नहीं था, फिर तो आगे जाने नहीं है। रेटिफाई कर दिया तो वैसा हो गया जैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, फिर प्रिंसिपल लायबल है। लेकिन अगर प्रिंसिपल रेटिफाई नहीं करता तो फिर अगली बात हमने क्या सोचनी है, देखने, तो फिर एजेंट लायबल है। लेकिन देखा जाएगा एजेंट किसको लायबल है, थर्ड पार्टी को कि प्रिंसिपल को? देखा जाएगा थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि नहीं था। भाई कहानी समझ, ये कंप्लीट, इससे ज्यादा केस स्टडी मेरे ख्याल में कंप्लेक्स नहीं कर सकता। आगे चलते हैं 11। अमजद ओन्स ए शॉप इन क्वेटा, लिविंग हिमसेल्फ इन कराची एंड विजिटिंग द शॉप ओकेजनली। अमजद क्वेटा, उसकी क्वेटा में शॉप है, खुद वो कराची में रहता है।
कभी कभार विजिट करने के लिए क्वेटाज, तो उसकी दुकान कैसे चलती होगी? कोई एजेंट उसने रखा होगा। द शॉप इज मैनेज्ड बाय बासित, बासित एजेंट है, बासित शॉप को मैनेज, एंड ही इज द हैबिट ऑफ ऑर्डरिंग गुड्स फ्रॉम दाऊद इन द, ही इज इन द हैबिट ऑफ, उसकी आदत है कि वो दाऊद से चीजें खरीदता है अमजद के नाम से दुकान के लिए, एंड पेइंग फॉर देम आउट ऑफ अमजद फंड्स, और जो अमजद के पैसे होते हैं उसमें, यानी कस्टमर से जो पैसे आए होते हैं जो उसने अल्टीमेटली अमजद को देने हैं, उन्हीं से चीजें खरीदता है और सरप्लस अमाउंट अमजद को दे देता है। अमजद को भी इस चीज का पता है, आगे कह रहा होगा कहीं, फट विद अमजद नॉलेज, यानी अमजद को पता है। अच्छा, अमजद ने अथॉरिटी नहीं दी हुई, अमजद ने एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं दी हुई कि तुम चीजें खरीद भी सकते हो, लेकिन वो चीजें खरीद रहा है और पैसे काट के अमजद को दे रहा है, अमजद ने कभी एतराज नहीं किया। हाँ, तो ये क्या, क्या ये इंप्लाइड अथॉरिटी है? Does Basit has authority to order goods and pay for them? Yes. उसके पास इंप्लाइड अथॉरिटी है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे लेके चलो, अमजद ने बासित को नौकरी से निकाल दिया लेकिन दाऊद को नहीं नोटिस दिया, पब्लिक नोटिस नहीं दिया। अब बासित ने दाऊद से चीजें खरीदी अमजद के नाम पे ही, लेकिन चीजें लेके निकल गया, अमजद लायबल है कि नहीं? बिल्कुल लायबल है। ये समझ आ गया? अच्छा, पार्टनरशिप का टॉपिक अभी हमने पढ़ना है, उसकी एक अजीबो गरीब सी एग्जाम्पल है, वो यहाँ पे रिलेट कर रही है, उधर जाके फिर शायद रिलेट करे ना करे, ये पूरा कंटेक्स्ट बने ना बने, अगर आप कहें तो अभी डिस्कस कर दूं। उसने कहा तीन पार्टनर्स हैं, ए बी सी, एग्री हुआ इसको मिलेगा 33% 1/3 शेयर, इसको भी 1/3, इनको भी 1/3। पिछले कई सालों से ये कॉन्ट्रैक्ट, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, सारे इक्वली होंगे 1/3, 1/3, 1/3, लेकिन प्रैक्टिस क्या चलती है कि जितना भी प्रॉफिट होता है 25% ये ले लेते हैं, 25% और 50% ये रख लेते हैं। पिछले कई सालों से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, किसी ने एतराज नहीं उठाया, इसने भी एतराज नहीं उठाया, इसने उन्होंने कहा ठीक है चल, हालांकि इनको पता है एग्री कुछ और हुआ था पेमेंट, इन्होंने कभी एतराज नहीं किया। बाद में इनका झगड़ा हो गया, इन दोनों भाईजान ने कोर्ट में जाके कहा जरा पिछले 10 सालों का जो हमारा 7% का 8% का प्रॉफिट का फर्क है वो तो मुझे, हमें इनसे निकलवा के दे। निकलवा सकते हैं? क्यों नहीं निकलवा सकते? अबे कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा लिखा हुआ है, लॉ ने ये कहा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट वाला है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में अल्टरेशन भी तो हो सकती है और वो अल्टरेशन एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। तो आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट 33%, लेकिन जब अल्टरेशन हुई चाहे जमानी, और आपने कभी एतराज नहीं किया, इसका मतलब है आपने इंप्लाइड कंसेंट दे दी, तो यह आपकी इंप्लाइड कंसेंट है। असल में अब रेशो 1/3, 1/3, 1/3 नहीं है, रेशो है 25%, 25%। समझ आ रहा है? क्योंकि इन्होंने कभी, इनका काम था कि उसी वक्त एतराज कर देता जिस वक्त डिफरेंट रेशो इनके साथ शेयर की। ये क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अनवर इज इंप्लॉयड बाय परवीन, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, परवीन इंप्लॉयज अनवर, परवीन प्रिंसिपल है, अनवर एजेंट है, रिजाइडिंग इन लंदन। अच्छा, अब इसमें कौन लंदन में रहता है? परवीन। अच्छा चले, टू रिकवर एट कराची डेट ड्यू टू परवीन, प्रवीण ने कराची में किसी को डेट दिया था, अनवर से कहा कि जाके रिकवर तो करवाओ वो डेट, कैन अनवर स्टार्ट लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट प्रवीण टू रिकवर द अमाउंट? कहां अथॉरिटी? अथॉरिटी तो उससे पैसे लेने की है, तो भाई हाँ, लीगल एक्शन भी पैसे रिकवर करवाने के लिए ले रहा है, लीगल एक्शन भी पैसे रिकवर करवाने के लिए, तो लीगल प्रोसीड हाँ उसको कंप्लीट करने के लिए तो क्या कर सकता है? बिल्कुल, ये कौन सी अथॉरिटी है? एम्प्लॉयड अथॉरिटी। क्या अच्छा, प्रवीण के नहीं, प्रवीण नहीं, ये थर्ड पार्टी होगी कोई, ड्यू टू प्रवीण, यानी डेट ड्यू टू प्रवीण है, और ये अगेंस्ट के भी ऑन बिहाफ आना चाहिए। सही कलप रहे हैं, सही कलप रहे हैं, यहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रवीण आना चाहिए। शाबाश, उसके खिलाफ नहीं किया, यही कह रहा हूँ भाई, भाई ये क्लास के बाद नोट करवाइएगा, ठीक, क्लियर। अच्छा, एक क्वेश्चन में उसने क्या अजीब चीज पूछी, उसने कहा परवीन ने अनवर से कहा कराची में मैंने एक बंदे से पैसे लेने हैं, तुम जरा उसे पैसे लेके मुझे दे दो। अनवर गया उस बंदे के पास, उसने कहा मैंने पैसे अभी नहीं देने। इस केस में क्या हो रहा है? अनवर लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रहा है, उस केस में अनवर ने गन निकाल ली, उसकी ठुकाई की खूब, सब पैसे दे, गन से नहीं भाई, ठुकाई करने के लिए गन निकाल के रखना जरूरी है, वरना अगला बंदा भी ठुकाई कर दे रहा है। उसके बाद जिसकी ठुकाई हुई थी उसने केस फाइल कर दिया, उसने केस फाइल कर दिया, क्या इस केस में परवीन लायबल है इस एक्ट के? नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयड अथॉरिटी के लिए दो चीजें हैं, वो जरूरी हो एक्ट और लीगल हो, इलीगल एक्ट करने एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं आता, ठीक है, इलीगल एम्प्लॉयड अथॉरिटी में
नहीं आता है एक्चुअली। ये तो लीगल एक्ट है, ये तो कर सकता है, ये उसकी अथॉरिटी में है, लेकिन रिकवर करवाने के लिए कोई इलीगल एक्ट नहीं कर सकता। अगर वो कहता है मैंने किसी शूटर को 50,000 दिए हैं और अब उसने 10 लाख रुपया रिकवर करवा दिया, लेकिन इससे 50,000 शूटर को दे दिए मैंने, बाकी सारे बताइए क्या प्रवीण 50,000 उससे एक्स्ट्रा जो रिकवर करवा सकती है? बिल्कुल, क्योंकि उसको उसकी अथॉरिटी नहीं थी, उसकी अथॉरिटी वही इलीगल काम है, इलीगल काम। हाँ, 13 पारस कंस्टिट्यूट आसिफ एज हिज एजेंट टू कैरी ऑन हिज बिजनेस ऑफ शिप बिल्डर, विच टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर अंडर इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ आसिफ? मटेरियल खरीद सकता है, लेबर हायर कर सकता है, और जो भी जरूरी होंगे, बिल्कुल, जो जगह वगैरह किराए पे ले सकता है, स्टोर करवा सकता है मटेरियल वगैरह किसी जगह पे, बिल्कुल ठीक है, यानी जो भी नेसेसरी। अब शिप बिल्डिंग चूंकि हमने कभी नहीं किया, हमें नहीं पता उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, जो मोटी मोटी 2-3 एक्टिविटीज आपके जहन में आ रही है वो लिख दें, वो काफी है। देखिए, अगर वो कह रहे हैं कि सर ऐसा हो सकता है कि एजेंट को हमने अथॉरिटी दी और उसका फ्रॉडलेंट यूज करे, जैसे मार्केट में एक जगह पे चीप फर्नीचर मिल रहा था, वो हाई कॉस्ट वुड मिल रही थी, लकड़ी मिल रही थी, वो महंगी खरीद ले और अपना कमीशन ले ले उससे, हो सकता है। पहले ये जो कंसेप्ट होता था ना हमारा, ये बहुत बड़ा होता था, इसमें राइट्स एंड ड्यूटीज भी आती थी, उसमें इस तरह की चीज कवर होती थी, अब नहीं है इसलिए मैंने डिस्कस नहीं की। लेकिन खुद बताएं, अगर आप एजेंसी रिलेशनशिप की रूह को पहचान गए हैं, समझ गए हैं, तो बताइए अगर एजेंट फ्रॉड करे प्रिंसिपल के साथ इस तरह के केसेस में, तो लायबल है कि नहीं है? बिल्कुल लायबल है। बल्कि एक मुझे केस स्टडी याद आ गई, प्रिंसिपल ने दुकान खोली और उसके ऊपर एक एजेंट को सेल्समैन के तौर पर रखा। प्रिंसिपल अब कराची बैठा है, एजेंट कोयटा में है। एजेंट ने क्या किया, उस दुकान पे प्रिंसिपल की चीजें रखी और साथ ही साथ अपनी चीजें भी रख दी। अब वो जाती चीजें भी सेल कर रहा है। प्रिंसिपल ने अचानक एक दिन विजिट किया, उसने कहा ये चीजें तो चलो मुझे पता है, मेरे रिकॉर्ड में मौजूद है, ये चीजें किसकी है? एजेंट ने कहा ये तो मेरी है, मैं भी खाली जगह पड़ी हुई है इसलिए मैं भी रख लेता हूँ, उसमें कोई क्या। उन चीजों के ऊपर जो प्रॉफिट अर्न किया है एजेंट ने, प्रिंसिपल वो रिकवर करवा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि वो जगह किसकी थी? प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल की इजाजत के बगैर अगर इस तरह का फायदा उठाया हो तो एजेंट की जिम्मेदारी है, उसको रीपे करेगा, इसको रीपे करेगा। ये एग्जाम्पल समझ आई आपको? ये एग्जाम्पल पार्टनरशिप में भी होगी। हाँ सर, हर कंसर्न कहते हैं पार्टनरशिप में भी होगा, पार्टनरशिप में। असल में पार्टनरशिप की एक लाइन है, पार्टनरशिप की एक लाइन है, जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि एजेंसी के जितने कंसर्ट हैं वो पार्टनरशिप में भी अप्लाई होंगे। वो लाइन पता क्या है? नहीं रहने दें, तो बाद में बताऊंगा, आप भूल जाते होते हैं। बाकी बात है, उसने लिखा हुआ है सारे के सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट हैं, सारे के सारे पार्टनर्स, इसलिए इसका मतलब है एजेंसी के जो भी कंसेप्ट हैं सारे पार्टनरशिप में लगे कि नहीं लगे? आगे चलते हैं। परवेज टर्मिनेटेड द सर्विस ऑफ हिज एजेंट अनम, नो नोटिस ऑफ दिस फैक्ट वाज गिवन बाय परवेज, सब्सिक्वेंटली अनम परचेज सम गुड्स फ्रॉम तलाल ऑन बिहाफ ऑफ परवेज, इज परवेज लायबल टू पे? क्यों, उसे नोटिस देना चाहिए था, नहीं दिया। अच्छा, अब कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है? अथॉरिटी बाय स्टॉपल। अनम के पास एक्चुअल अथॉरिटी तो नहीं है, एक्सप्रेस अथॉरिटी तो नहीं है, लेकिन स्टॉपल अथॉरिटी है। ठीक है, जब उसने नोटिस नहीं दिया परवेज ने पब्लिक, इसका मतलब है पब्लिक के लिए तो परवेज अभी भी यही कह रहा है कि वही पुरानी सिचुएशन है, पब्लिक के लिए तो अभी भी पुरानी सिचुएशन है ना, तो इसीलिए इस सिचुएशन में परवेज लायबल है। आगे चलते हैं। पारस राइट्स टू तलाल दैट आजम इज ऑथराइज्ड टू सेल हिज कार, पारस प्राइवेटली इंस्ट्रक्ट्स आजम नॉट टू सेल द कार। अच्छा, ऑफिशियली उसने स्टेटमेंट दे दी लेकिन बाद में कह दिया भाई बेचनी नहीं है, यानी ऑफिशियली उसने दूसरे लोगों को कह दिया ये ऑथराइज्ड है और आपस में उसने उसकी अथॉरिटी खत्म कर दी। अब दरअसल आजम एजेंट नहीं है, जब पारस ने उसे कह दिया कि कार ना बेचना तो आजम एजेंट लेकिन पारस ने थर्ड पार्टी को स्टेटमेंट दे दी, इसको अथॉरिटी दी है। आजम सेल्स द कार, अच्छा आजम को कहा था कार ना बेचना, आजम ने भी कार बेच दी 4 लाख की। नाउ पारस वांट्स टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट, कैन ही डू सो? क्यों नहीं कर सकता? एजेंसी बाय स्टॉपल, पब्लिक नोटिस नहीं दिया। पब्लिक नोटिस कहां से आ गया? इसको प्राइवेटली कहा था। हाँ, कह सकते हैं पब्लिक नोटिस भी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। अच्छा, यहां इसमें मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा, इसमें मुझे रूम नजर आ रहा है, इसको कुछ और तरीकों से भी टेस्ट किया जा सकता है। अगर पारस को लगे कि 4 लाख अच्छी कीमत मिल गई है, वो रेटिफाई कर सकता है? रेटिफाई कर लेता है तो क्या फिर एजेंट लायबल होगा? ले कहानी खत्म। लेकिन फर्ज कीजिए पारस को लगा नहीं 4 लाख अच्छी कीमत नहीं, मैं तो उसको 6 लाख में बेच सकता था, 6 लाख। अब क्या वो सेट असाइड कर सकता है? नहीं कर सकता।
नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सबको कहा था कि ऑथराइज है तो नहीं। तो अब ये 2 लाख किस कौन भरेगा? एजेंट, खुद नहीं बेयर करेगा एजेंट। एजेंट ने एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए तो ये एग्रीमेंट वैलिड है, लेकिन क्या पारस एजेंट को ये कह सकता है जब मैंने तुम्हें कहा था ना बेचना तो क्यों बेची गाड़ी? यानी एग्री करते हैं। मुझे बताइए इस केस में एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया कि नहीं किया? किया। थर्ड पार्टी को तो हम नहीं पकड़ सकते क्योंकि उनको तो वो कह बैठा था कि इसके पास अथॉरिटी है, लेकिन एजेंट को पकड़। और ये 2 लाख रुपया एजेंट से कंपनसेट करवाया जाएगा जी। 6 लाख नहीं, 6 लाख मार्केट वो फिर कोर्ट में प्रूफ करेगा ना कि उसको कितना नुकसान हुआ, वो नुकसान प्रूफ करेगा। कितने रखे हो? 4 हो रहे। अच्छा, मैं एमसीक्यूज भी आज फड़काने के चक्कर में था। 6 मिनट पर कैसे हो गए हैं? अभी 4 मिनट नीचे हैं। 25 तक का टाइम है। पाशा लीव सर्टन आर्टिकल्स विद असलम एंड ऑप्शनर आस्किंग हिम नॉट टू सेल बिलो ए स्टेटेड प्राइस। उसने कहा भाई ये मेरी चीजें हैं, खबरदार 1 लाख से कम नीचे ना बेचना। असलम सेल द आर्टिकल्स टू तारिक बिलो द स्टेटेड प्राइस। असलम ने 80,000 की बेच दी तारिक को। तारिक नोज ऑफ पाशाज इंस्ट्रक्शन टू असलम। थर्ड पार्टी को नॉलेज है। नाउ पाशा वांट्स टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड डू सो। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। पाशा लीव सर्टन, ये तो वही क्वेश्चन आ गया रिक्वायरमेंट। अच्छा ठीक है, लीव सर्टन आर्टिकल विद आस्किंग तारिक। तारिक इज इग्नोर एंड ऑफ पाशा, सारा फैक्ट वही क्वेश्चन वही। अब की बात तारिक इग्नोर है, क्या पाशा कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर सकता? सेट असाइड मतलब रिसेंड कर सकता है? नहीं कर सकता, लेकिन उसका अगर जो नुकसान हुआ किसे भरवा सकता है? एजेंट से, जो कि इस केस स्टडी में असलम है। क्लियर? पाशा कंसाइंस बटर टू अमीन हिज एजेंट एट लाहौर विद डायरेक्शन टू सेंड देम इमीडिएटली टू बाकी रहे ट्रैवल मंडी फॉरन भेजना। अमीन नोटिस दैट बटर माइट नॉट बियर द जर्नी टू रावलपिंडी विदाउट स्पॉइलिंग। रावलपिंडी तक पहुंचते स्पॉइल हो जाए, खराब हो जाएगा। अमीन सोल्ड द बटर एट लाहौर टू वाइट लाला, इज दैट ऑफ अमीन वैलिड? देखिए आपने केस स्टडी में ना वो कंडीशन लिखनी है और वो फिट करवानी है। क्या ये रियल इमरजेंसी है? क्या कॉन्टैक्ट किया गया? कहां किया गया? नहीं बताया तो इफ करके कर देंगे। क्या प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए किया गया? तो इसका मतलब है कौन सा कंसर्न बनता है ये? अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी भी कहते हैं, नेसेसिटी भी कहते हैं। नेसेसिटी भी कहते हैं। आपको एक छोटा सा बात बता दूं, इसको नेसेसिटी क्यों कहते हैं? इन सिचुएशन में पेरिशेबल गुड, अमीन क्या चीजों को बेच सकता है? अच्छा, लॉ क्या कहता है सुनेगा? लॉ कहता है ना सिर्फ ये कि अमीन चीजों को बेच सकता है, बल्कि अमीन पे फर्ज है कि चीजें बेचे। अमीन पे फर्ज है कि चीजें, इसका मतलब है इस सिचुएशन में अगर अमीन कुछ भी नहीं करता, वो ब्लाइंडली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, लॉ कहता है अमीन लायबल है। अमीन लायबल है, वो नुकसान पूरा करेगा, इसीलिए इसे अथॉरिटी इन इमरजेंसी तो कहते हैं। इमरजेंसी तो फौरन समझ आ जाती है क्यों कहते हैं, लेकिन नेसेसिटी भी कहते हैं। ये एजेंट का ना सिर्फ राइट है या अथॉरिटी है, बल्कि उसकी ड्यूटी भी है कि प्रिंसिपल को नुकसान से बचाए। एक क्वेश्चन सर, पाशा कंसाइंस फर्नीचर टू आबिद। अच्छा, ये अकाउंटिंग के लेक्चर में भी आप इसी तरह सर को कहते हैं टाइम हो गया, टाइम हो गया। अच्छा, उनको नहीं कहते? कोई बात नहीं, मुझे कह सकते हैं बेफिक्र, कोई मुझे नहीं इतराज। मैं अभी बस 1 मिनट और देने खत्म करता, कल को दोबारा ना पढ़ाना पड़ता सर। पाशा कंसाइंस फर्नीचर टू आबिद हिज एजेंट एट लाहौर विद डायरेक्शन टू सेंड द आइटम इमीडिएटली टू बाबर। अच्छा, फर्नीचर भेज रहा है, फर्नीचर तो खराब नहीं होता नॉर्मली, जल्दी नहीं होता है, पेरिशेबल गुड नहीं है। एंड विद डायरेक्शन टू सेंड द आइटम इमीडिएटली टू बागा ट्रैवल आबिद थॉट दैट फर्नीचर माइट नॉट फेच गुड प्राइस एट ट्रैवल पिंडी एंड सोल्ड द फर्नीचर इन लाहौर, इज एक्ट ऑफ आबिद वैलिड? क्योंकि ये इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं थी और लॉस से बचाने के लिए भी नहीं, ये तो उसके प्रॉफिट के लिए किया गया। एग्री करते हैं, सिचुएशन भी इमरजेंसी वाली नहीं थी, इस पे इमरजेंसी वाला रूल नहीं लगेगा। चलिए कल एमसीक्यू। अच्छा, इसके थोड़े से एमसीक्यूज हैं, वैसे अगर 10 मिनट आप हिम्मत करें ना निमट जाए, नहीं निमट करें। अच्छा, टेस्ट देना है आपने, पहले क्यों नहीं बताया आपने? ठीक है, फौरन जाए, शाबाश, लेक्चर फौरन जाके टेस्ट दीजिए। आज का लेक्चर खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।